सो फ्रेंड्स, आज विजयादशमी है या फिर दशहरा है और आज माता को हम विसर्जित करने जा रहे हैं। अभी पंडाल से हटा लिया है, पंडाल खाली है, ये देखिए पंडाल खाली हो चुका है और अब हम जाएंगे विसर्जित करने। तो चलिए चलते। फाइनली पहुंच चुके हैं जहां पे हमारा विसर्जन होना है। इस बार यमुना में अलाउड नहीं है, सो थोड़ा सा घूमना पड़ा, दो तीन जगह पे जाना पड़ा, काफ़ी कंफ्यूजन और केओस का माहौल था, बट फाइनली हम पहुंच चुके हैं और हमारा ट्रक भी आ चुका है जिसमें माता है। सो बेसिकली अब हम विसर्जन शुरू करेंगे, तो चलिए पहुँचते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना शानदार हमारा विसर्जन हुआ है और काफ़ी सारे लोग थे, विसर्जन हो गया। और कुछ आपके कमेंट्स? तो बेसिकली ये जो दुर्गा पूजा होता है तो देवी माँ वो हिमालय से आती है अपने पेरेंट्स के घर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट डे भी। तो अभी ये हम लोगों का जो फेस्टिवल चला 3-4 दिन 5 दिन का, तो शी बेसिकली सेलिब्रेटेड हर टाइम एट हर पेरेंट्स प्लेस एंड नाउ शी इज़ गोइंग बैक। दुर्गा माँ अभी वापस हिमालयस जा रही है अपने घर, और विसर्जन का यही सिग्निफिकेंस है कि नाउ शी इज़ गोइंग बैक। अब आज से
विजयदशमी शुरू होता है और दिवाली तक एक दूसरे के घर जाना, सोशल गैदरिंग्स होना, गेट टुगेदर्स होना, खाना पीना, सबको मिठाई खिलाना, तो ये हमारा फेस्टिवल चलता है विच कंटिन्यूज टिल दिवाली। एंड दिवाली में काली पूजा होता है जिसके साथ विजयदशमी का जो ये जो टाइम है ये कंप्लीट होता है काली पूजा में। और हम प्रे करते हैं कि अगले साल फिर से हम इसी तरह दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करें, हर साल हम इसी तरह माँ को हम वेलकम करें, पूजा करें और सब फ्रेंड्स फैमिली सब लोगों के साथ खूब हम एंजॉय करें। आप सब लोगों को भी विजयदशमी की भी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से निकलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या प्रोग्राम है। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये ख़त्म हो चुका है, पूजा का जो सब कुछ है वो ऑलमोस्ट फिनिश है। बस थोड़ा सा अभी पंडाल में जाके फिर से थोड़ा गेट टुगेदर होगा एंड देन इट विल बी ऑफिशियली कंप्लीट। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो अब हम पंडाल में पहुँच चुके हैं, काफ़ी ट्रैफिक था और बहुत सारे बंद कर रखे हैं रास्ते बिकॉज़ आज वो भी हो रहा है, दशहरा भी है और रावण दहन होगा थोड़ी देर में। अभी ऑलरेडी 4:30 बज चुके हैं तो हम काफ़ी लेट हो गए हैं और भोग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, लोग भोग की लाइन में लग चुके हैं और भोग स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए फटाफट भोग लेते हैं फिर चलते हैं। अब दुर्गा पूजा ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है, अभी शांति जौल जो होता है वो अभी सब में छिड़का और मैडम आपको इसके बारे में ज़्यादा बताएंगी क्योंकि इनको ज़्यादा पता है। तो बेसिकली क्या होता है, हम जब विसर्जन करते हैं उसके बाद सेक्रेट वाटर होता है वो पंडित जी सबके ऊपर डालते हैं एंड इट इज़ काइंड ऑफ होली वाटर, और सबके जितने भी गिले शिकवे हैं वो सब दूर करके एक दूसरे को लोग ग्रीट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं पीछे भी हम फिनिश करते हैं। तो ये हमारा पूरा दुर्गा पूजा का कवरेज, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइए सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी पब्लिश एनी न्यू वीडियो। और एक्साइटिंग ट्रैवल और बाकी और चीज़ों के साथ हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। और हम अपनी एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करेंगे। एक बंगाली में कहावत है 12 मासे 13 पर्व, इसका मतलब है कि हमारे 12 मंथ्स में 30 फेस्टिवल्स होते हैं। तो हमारे इस तरह से अभी नेक्स्ट हमारा दिवाली है, काली पूजा है, सरस्वती पूजा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ भी शेयर करने का हर एक चीज़। तो बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय।